कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, सरसों सीड में क्या कीमतें चल रही हैं, क्या रेट बाजारों में आज आप देख सकते हैं, प्लांटों में किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज देखा जा रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ खबरों में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो सरसों सीड की कीमतें लगातार दूसरे दिन कमजोर देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार विदेशी बाजारों में खाद्य तेल में काफी मिला जुला रुख है। शिकागो में सोया तेल के दाम काफी तेज है, लेकिन मलेशिया में कमजोर दाम देखे जा रहे हैं। अब विदेशी बाजारों की वजह से घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों में बाजारों में इस हफ्ते अब हल्की सी नरमी के साथ कारोबार देखा गया है। जयपुर में सरसों सीड का रेट 5500 से लेकर 5525 के बीच है, 50 रुपए तक गिरावट के साथ यहां कारोबार हुआ। दिल्ली कीमतें 5350 है, हिसार का रेट 5000 चल रहा है। बरवाला कीमतें 5200 से लेकर 5225 के बीच है, जिसमें भी 25 रुपए तक की हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई है। इसके अलावा प्लांट के बारे में बात करते हैं तो सलोनी कोटा का रेट 5850 और सलोनी डीलेट की 6000 चल रही है, 25 रुपए तक की यहां पर आप बढ़त देखकर चल सकते हैं। सलोनी अलवर का रेट 5925 रुपए देखा जा रहा है, जिसमें भी 25 रुपए तक की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है घरेलू मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आप हल्की फुल्की देख कर चल सकते हैं, जिसको देखते हुए सरसों सीड में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। सरसों में और इसके तेल में बड़ी तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि सरसों तेल और खल के दाम मार्केट में आज के लिए स्थिर देखे जा रहे हैं। विदेशी बाजारों के असर की वजह से आज घरेलू मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपको स्लाइटली नेगेटिव नजर आ सकता है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।